ओके प्रशांत, सो लेट्स प्रोसीड अहेड एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज यू नो इंटरव्यू एंड आई वांट योर वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर दैट. सर माय नेम इज प्रशांत गिरे एंड आई एम फ्रॉम सोलापुर. देयर इज वन विलेज नेम मारडी. इट्स अराउंड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम सोलापुर सिटी. आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम माय विलेज इटसेल्फ मारडी. नेम इज महात्मा फुले हाई स्कूल मारडी. देन I completed my 11th, 12th in Solapur city. Then name of the college is then DBF Dayanand College. Then afterwards, I completed my BTech in Vegetarian College in 2017. Afterwards, I have done job in the private sector for 3 years. Then I prepared 1 year for ESC, and now I am doing my MTech in IIT Bombay in ICT domain, VLSI domain. तो आप कब से जॉब, कब से, कितना सेमेस्टर है अभी आपका आईआईटी बॉम्बे में? सेकंड, दिस इज माय सेकंड सेमेस्टर सर. सो इफ यू गेट इनटू इंजीनियरिंग सर्विसेज देन प्रशांत व्हाट यू विल डू विद योर मास्टर्स? सर एक्सटेंशन का कुछ तो होता है शायद, कर डाल सकते हैं एक्सटेंशन ज्वाइन करने के लिए. गेट द एक्सटेंशन, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हां यस सर. ओके प्रशांत, व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, व्हाट डिड यू से? 2017. और उसके बाद से क्या कर रहे थे आप? 3 years job किया सर बाद में. कहाँ? Private sector. In Bombay itself. In construction company. Construction. So why you left that then? Sir, actually I am having a good academic background. So मतलब लगा कि I can do better than this. So I prepared to join for GAC. I left job. अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होता है प्रशांत, इसकी क्या टिपिकल इश्यूज हैं, क्या टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के? सर कंस्ट्रक्शन मेन इश्यू जो है ना सर, जो प्लानिंग होता है, जो प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं होता एक्चुअली. तो मतलब हमारे जो इंडस्ट्री, हमारे जो इंडिया है ना, वहाँ पे अराउंड 80% जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो डिले चलते है. दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद कंस्ट्रक्शन. ओके. And tell me something about the safety part of construction projects. Yes, sir. So, the main major safety is the height. Where suppose मतलब कोई आदमी ऊपर काम कर रहा है और नीचे से कोई जा रहा है, तो मतलब कोई तो जो उसके पास जो भी डिवाइस है वो गिर सकता है उसके ऊपर, उसके सर पे. So हेलमेट वगैरह यूज करना पड़ता है. और एक फायर सेफ्टी का तो है ही, मतलब उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर अगर लगाते हैं. और जो सपोज अंधेरे में काम कर रहे हैं तो उसके लिए जैकेट रहता है, मतलब वो अंधेरे में दिख सकता है अपने को. एंड व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज? सर इन व्हाट माय जॉब एक्चुअली की देयर इज वन सेपरेट डिपार्टमेंट एज एन एमईपी इंजीनियर, लाइक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग. सो मैं वो डिपार्टमेंट का पार्ट था. I was as a senior engineer over there. So आपका ये जो construction industries होता है, इसमें one of the main issue is laborer. They are not trained. They are not permanent. Yes, sir. So how training part can be improved in these industries, construction industries? Sir, हम लोग मतलब मैं तो हम लोग क्या करते daily करते थे sir. In the morning मतलब session लेते थे उन लोग का. जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, मतलब उनको तो आइडिया नहीं रहेगा, मतलब इतना डीप में तो नहीं पता रहेगा. सो उनके लिए जो उनके लैंग्वेज में समझ में आता है ना, वो कैन कैरी सब ट्रेनिंग सेशन इन एवरी मॉर्निंग. ओके प्रशांत, नाउ मेरे को ये बताओ व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब? सर मेरा जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, और मुझे मतलब इलेक्ट्रिक इंजीनियर बहुत ही अच्छा लगता है. सो मतलब मुझे ऐसा जॉब चाहिए था कि वहाँ पे मैं वैरायटी भी पा सकूं. मैं आईएएस में तो मुझे ये सब मिलेगा और प्रेस्टीज भी मिलेगा. सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द जॉब. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप को क्या मेन क्रेज क्या था उसका, व्हाई यू वांटेड टू जॉइन इंजीनियरिंग सर्विसेज? एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई वांट टू मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं. सो वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग वगैरह रहता है वो उसके लिए कुछ मैं कर सकूं, मतलब अच्छे से प्लानिंग मैनेजमेंट करके कुछ तो चेंज कर सकूं इसलिए. ओके प्रशांत, सो लेट मी गिव यू द फीडबैक ऑफ दिस पार्ट.
अभी प्रशांत क्या है, मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ जिस डायरेक्शन में हमें तैयार करना है। यस सर। तो आपने, आपको दो तीन जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका जॉब एक्सपीरियंस 3 साल का है। यस सर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट का जॉब एक्सपीरियंस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। एक तो हमें उस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछने हैं जॉब से रिलेटेड, वो पूछेगा। एक आपसे पूछेगा मास्टर्स के बारे में कि आप एमटेक किस में कर रहे हैं, क्या है। अगर वो आपने मास्टर्स बताया तो वो पूछेगा उसमें से, और वो हमें बताना भी चाहिए। तीसरा आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्यों इंटरेस्ट है, व्हाई यू वांट टू जॉइन एंड ऑल दीस थिंग्स, और उसमें आपको अपना पर्सनैलिटी, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हॉबीज, इंटरेस्ट, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो ये 3-4 डायरेक्शन में हमें प्रिपरेशन करनी है। आज जो एचआर किया उसका ये पर्पस था कि वी शुड नो इन विच डायरेक्शन वी हैव टू प्रिपेयर। आई विल कीप ऑन आस्किंग यू मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपने क्या किया उसमें। नेक्स्ट टाइम जो आप बताएं कि मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया, तो साथ में एक लाइन ये भी जोड़े कि मैंने उसमें किया क्या है, व्हाट आई हैव डन इन दैट, व्हाट प्रोफाइल एंड व्हाट इज माय यू नो अचीवमेंट और रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, समथिंग लाइक दैट। एंड देन नेक्स्ट विल बी मास्टर्स, सर आई एम डूइंग मास्टर्स इन दिस एंड दिस इज, छोड़ा क्यों, क्योंकि सर आई वॉज इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब्स बिकॉज दे आर द बेस्ट जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपको गवर्नमेंट में इंटरेस्ट था और गवर्नमेंट की बेस्ट जॉब इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब्स है, तो मैं आपकी तैयारी नहीं हो रही थी। Then you decided to prepare for exams. So preparation of GATE and engineering services is almost same. So same. I got GATE and I got this IIT Bombay. So I thought of getting specialized at the same time and write engineering services. ऐसे आपने बोलना है उसका। इस direction में रहेगा हमारा, right Prashant? Keep copy. हम interview करते रहेंगे और एक copy लगा लो dedicated जिसमें हमें सारे question लिख लें जो हमसे पूछे जा सकते हैं engineering services में। और सर एक मतलब डीएफ में ना, मतलब जो डिपार्टमेंट है अभी मेरे पास तो 7 डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल में, सो वहाँ उसमें से मतलब जो बेटर कौन सा है मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। मतलब मैं तो पढ़ा हूँ, व्हाट्सएप करके भेज देना सारे, मैं आपको कल डिसाइड करके बता देंगे। ठीक है सर, चलेगा सर। राइट, ओके, राइट सर।